हेलो एवरीवन, क्लास स्टार्ट करियो। आमे क्लास नंबर 9 ऑफ मैथमेटिक्स दिस्तु अपनो क्लास नंबर 9 9 एडा होजी टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 1 ओएसएससी सीजीएल पे आपण एडा सब एग्जाम पे यूज करी परिवे। ऑल्दो लिखा है जो ओएसएससी सीजीएल आपण सब एग्जाम पे यूज करी परिवे है ना। बेसिकली थ्योरी मु पढेबी नेटी, थ्योरी ऑलरेडी मु पढे सारची आगु। ठीक अछि, मु देखै देबी आपण कोडी पढै छी। एठी आमे ओनली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिया। ठीक अछि, टाइम एंड वर्क टोटल मु 4टा क्लास करी, तापर पाइप एंड सेशन करी। ठीक अछि, देखो थ्योरी ऑलरेडी मुझे पढ़े थी आगु है कौटी पढ़े थी। आप आम चैनल आसवे प्लेलिस्ट ओपन करेंगे, प्लेलिस्ट प्लेलिस्ट ये आपको दिशा आरिथमेटिक 29 वीडियोस है। यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट आम ओपन करेंगे, 29 वीडियोस आरिथमेटिक दिशा यहाँ क्लिक करेंगे। ये आसवे टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम है ना। देखो ये कंप्लीट टाइम एंड वर्क पढ़ी गोटे वीडियो में, ये पाइप एंड सिस्टम पढ़ी यहाँ चेक करदे। थ्योरी ये पढ़ाई अबिका मुझे थ्योरी पढ़ेबी, आम ये ओनली क्वेश्चन स्टार्ट करवा, सब टाइप क्वेश्चन मुझे कवर करदेवी। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन सहित वीडियो आप पॉज करेंगे, निजे अटेम्प्ट ने एक्सप्लेनेशन चेक करेंगे। सब गुड़ा हूँ आपंकर पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन गुड़ा। देखो ये एमटीएस आसाला 2019 सीजीएल सीएचएसएल सब पास्ट ईयर क्वेश्चन को नहीं। ठीक अच्छे, आज यहाँ हूँ आपंकर टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 1। ठीक अच्छे, 4टा क्लास मुझे करी आ छाड़ा किसी भी करा दरकार नहीं है ना। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 देखो कौन कही। आदित्य कैन डू पेस ऑफ वर्क इन 24 डेज, वेयरएज रमन कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। इट्स ओरल क्वेश्चन, ए बी बाय ए प्लस बी। 24 इंटू 45, 45 इंटू 20 के 900, 900 45 इंटू 4 180, 900 प्लस 180 के 1080 डिवाइड बाय ए प्लस बी माने बाय 69 माने 1080 बाय 69 तीन रे काट देले के 360 बाय 23 त माने ऑप्शन बी हो आंसर। बट कर दो छेंदी देखो बहुत ओराल क्वेश्चन गुड़ा। आदित्य हूँ 24 डेज, आउ गोटे कौन अच्छी रमन मैंने आर लिखुची मुझे रमन के 45 डेज। या एलसीएम के बोले एलसीएम मैंने कौन हाइएस्ट पावर ऑफ प्राइम। 24टा हूँ कौन 2³ इंटु 3, 45टा के 5 इंटु 3 स्क्वायर हाइएस्ट पावर ऑफ प्राइम नवा आम तेने 2³ ने 5 ने 2³ मैंने 8 इंटु 5 40 इंटु 9 360। ठीक अच्छे, 360 है अभी क्या डिवाइड करूँ एफिशिएंसी देखिए आम ये 360 बाय 24 हूँ के 15, 360 बाय 45 8। ठीक अच्छे, तमें टुगेदर के 360 बाय 23 ऑप्शन। थ्योरी पढ़ी आउ डिटेल कहूनी, फर्मुला मुझे अप्लाई करी ए बी बाय ए प्लस बी डायरेक्ट फर्मुला से कही आपको थ्योरी क्लास में। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ए कैन डू 1/5 ऑफ अ टास्क इन 4 डेज। ताल टोटल टोटल वर्क कितने करियो, यदि 1/5 करती 4 डेज टोटल वर्क करियो कते 4 इनटू 5 20। बी कैन डू 1/6 ऑफ द सेम वर्क इन 5 डेज, 1/6 करती 5 डेज ताल टोटल कते करियो टोटल होची 6 इनटू 5 30 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन डू द वर्क इन हाउ मेनी डेज, ए बी बाय ए प्लस बी अप्लाई कर देबी 20 इनटू 60 600 बाय ए प्लस बी बाय 50 हो चुके थे 12। क्वेश्चन नंबर 3, ए कैन डू अ वर्क इन 30 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज। ओके, तापरे इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज देन द पार्ट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट इक्वल टू हाउ मच। ओके, ए कैन डू द वर्क इन 30 डेज बी इन 60 डेज त माने एफिशिएंसी कोन होय, एफिशिएंसी ए इज टू बी होची 2:1 ओरली आपण कर दे परिवे। दे वर्क फॉर 5 डेज 2:1 माने 3 3 यूनिट सेट बाय 15 15 हेले 60 माइनस 15 होची केते 45 45 बाय 60 होची केते 3/4 माने ऑप्शन हबो सी। बट केमति कलिमु देखंतु ए इज टू बी डेज देची 60 आउ 30 माने ए को लागो छी 30 बी को लागो छी 60 डेज रेशियो केते अछि 30:60 माने 1:2 एफिशिएंसी ताले केते हबो एटा होची डेज ताले एफिशिएंसी उल्टा है जीवो ताला केते 2:1 अरे 30:61:2 एफिशिएंसी 2:1 रेशियो है जो इनवर्स रेशियो हला। ओके ताले मतलब काम को होंदो एठी वर्क ताले केते हबो वर्क हम जानि छथि कोन एफिशिएंसी इनटू टाइम आइदर 2:30 करंतु और 1:60 करंतु ताले टोटल वर्क होची केते 60 कने एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टोटल वर्क ताले मतलब जिंस को होंदो। इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज गोटे दिन रे ए और बी रे एफिशिएंसी केते होची 2+1 होची 3 यूनिट्स 5 दिन काम कले 3 इंटू 5 हूँ कैसे बिले दिस इज 15 यूनिट है 5 दिन में 15 यूनिट कले टोटल वर्क हूँ 60 60 माइनस 15 के 45
45 कहि व्हाट पार्ट ऑफ वर्क विल बी लेफ्ट 45 आउट ऑफ 60 दिस इज 15 रे काटले 3/4 ऑप्शन सी बहुत एक्स्ट्रा बुझे दोची आ सब होची हार्डली 30 सेकंड्स क्वेश्चन मुहे मुहे करिवडा पेन पिक करया दरकार नै क्वेश्चन नंबर 4 ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू 45% ऑफ वर्क इन 9 डेज त टोटल वर्क केतने करियो 45% 1% ताले केते 1% हबो 9 बाय 45 माने 1 बाय 5 ताले 100% ता केते हबो 1 बाय 5 इनटू 100 20 20 दिन रे ताले ए ओटे काम करूची इन 20 डेज ठीक अछि सर ए और बी कथा कहिछि नै माने ए और बी तने ए और बी करछन्ती 45% इन 9 डेज ठीक अछि ताले टोटल वर्क केते 100% केते दिन करबे 20 डेज रे ओके तापर कोन हला ए अलोन कैन डू द वर्क इन 30 डेज ए अलोन करछि केते दिन रे 30 डेज रे हाउ मेनी डेज विल बी अलोन टेक टू डू द सेम वर्क ओके ओडी जिंस पते कोन अगेन इट्स अ ओरल क्वेश्चन ए प्लस बी इज टू ए फर्स्ट मु टाइम रो रेशियो लिखिबी और डेज डेज और टाइम सेम कोन दिस इज 20 दिस इज 30 तले एफिशिएंसी कोन होबे रे एफिशिएंसी उल्टा हे जीवो कि नहीं 30 इज 20 हे जीवो माने 3 इज 2 मे लिख परबी एफिशिएंसी रेशियो कथा मु कोजी पले तले उल्टा होए कि नहीं थ्योरी क्लास पढ़ी जेडा पो तले 3 टू 2 हला तले टोटल वर्क केते हो आइदर 20 इनटू 30 3 इनटू 20 करिवे और 2 इनटू 30 करिवे त माने टोटल वर्क असला एटी 30 ओके ओके मतलब जिंस त कहंदु ए र एफिशिएंसी 2 ए आ बी र मिसिंग ना एफिशिएंसी 3 ए र एफिशिएंसी 2 ए आ बी र एफिशिएंसी 3 तले बी र एफिशिएंसी केते हेतिबो 1 यूनिट हेतिबो कि नै हना तले बी अलोन केते दिन रे करिवो टोटल वर्क होची 60 बाय ए व्हिच इज 60 ऑप्शन ए क्लियर ओराल क्वेश्चन रे बुझौछु बोले मैं टाइम लागौछि एगुडा मु बुझौछि आपन बोले मैं टाइम लागौछि नहल नै सब क्वेश्चन होछि आपन 15 सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन पढिबे आंसर देबे एत्ते पेन रे लेखा लेखा लेकि नै एडा क्लास रे बुझाउछि बोले लेखा नै कराउछि आपन डायरेक्टली मुहे मुहे करिवडा ओके क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एडा सब सीएचएस रे असला ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 25 डेज बी अलोन कैन कंप्लीट फर्स्ट निजे ट्राई करौ आई होप यू ट्राइड कौन है जीरा ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन कितने 25 डेज बी अलोन कैन कंप्लीट 33 होल 1/3 माने 1/3 ऑफ द सेम टास्क इन 15 दिन माने बी अलोन करछि 33 होल 1/3 माने 1/3 काम करियो 15 दिन लागो टोटल काम करियो कितने लागो 45 दिन इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट 4 by 15th of the same task. Fine. Okay. 4 by 15th करियो केदिन लागियो ओटे काम करिया एटी देखो अगेन अगेन ओरल क्वेश्चन ता प्रथम बुझे दोची आपन ए प्लस बी इज टू बी कथा कहिछ टाइम रो रेशियो कोन दिजिबले ए प्लस बी को लागो छि 25 दिन याकू लागो छि 45 दिन ताले रेशियो केते हो छि 5 इज टू 9 25 इज टू 45 5 इज टू 9 रेशियो अछि ताले एफिशिएंसी रेशियो केते हि जीवो 9 इज टू 5 अरे बुझचंद नै मो अरे 25 इज टू 45 5 इज टू 9 अछि एफिशिएंसी टा उल्टा हि जीवो कि नै 9 इज टू 5 हे गेला हां ताले मतलब जिंस कोंदु एटिम देखो छि आपन इय रे बी रा एफिशिएंसी हो छि 5 ए प्लस बी रा एफिशिएंसी हो छि 9 बी रा 5 ए प्लस बी रा 9 ताले ए रो केते हि दियो ए आ बी रो मिसे कि ना हो छि 9 बी रा 5 ताले ए रो केते हि दियो बिल ए रो हि दियो 4 राइट एयर एफिशिएंसी चार थी टोटल वर्क केंद्र बाहर करिया में टोटल वर्क केंद्र वर्क टा होची एफिशिएंसी इनटू टाइम आइदर तो 25 इनटू 9 करंतु व्हिच इज 225 और 45 इनटू 5 करंतु कने आमे जान चंदी कोन वर्क वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम एटा फार्मूला आपन पढाई छी मु थ्योरी क्लास रे सो आइदर 25 इनटू 9 करंतु व्हिच इज 225 और 45 इनटू 5 करंतु 225 तां टोटल वर्क टा होची 225 यूनिट हला कहिची इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन कंप्लीट 4 बाय 15th ऑफ द सेम वर्क टोटल वर्क ता होची 225 यूनिट यार 4 बाय 15th केते इनटू 4 बाय 15 15 इनटू 4 बाय 15 15 इनटू 4 60 हला माने 60 यूनिट कथा को आइछ 60 यूनिट हला 225 रा 4 बाय 15 60 60 यूनिट के करिवो ए करिवो ए रा केते एफिशिएंसी 4 तले केते दिन लागिवो दिस इज 15 ऑप्शन ए क्लियर 6 नंबर कोन कहि देखंतु बस निजे ट्राई करंतु ए बी सी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 42 84 एंड 28 डेज ए को लागुची 42 डेज बी को लागुची केते
84 डेज सी को लागो छि 28 डेज यांको एलसीएम केते बेले एलसीएम हो छि 84 विजिबल एटा विजिबल हो छि आपन को ताले एफिशिएंसी केते हो ए रह हो 2 बी रह एफिशिएंसी हो छि 1 सी रह एफिशिएंसी हो छि 3 क्लियर ओके तब हम कहला ए स्टार्टेड द वर्क एंड बी जॉइंड हिम आफ्टर 3 डेज माने 3 दिन जाय खाली ए काम करथियो ए रह एफिशिएंसी 2 3 दिन जाय केते हितिवो 2 * 3 यूनिट्स गोटे दिन रे 3 यूनिट करू छि 3 दिन रे केते करियो 2 * 3 तापरे बी जॉइन कला बी जॉइन हिम आफ्टर 3 डेज 3 दिन पर आसला बी ओके अभिका जाय ए काम करतला तापरे सी जॉइन हिम आफ्टर 5 डेज ओके ता माने ए आउ बी काम करले 2 दिन ए आउ बी ए रो एफिशिएंसी 2 बी रहो छि 1 माने 3 यूनिट हला 2 दिन पई बुझु न नै तापरे सी जॉइन आफ्टर 5 डेज माने अभिका ए ए बी सी तीन जन काम करियो माने 2 प्लस ए प्लस 3 माने 3 प्लस 3 6 बुझु न नै हो ए रहोची 2 बी र 1 सी र 3 हैला 6 यूनिट के दिन काम कले जणा नाही लेट्स से एक्स डेज काम कले टोटल वर्क ता केते 84 यूनिट्स ठीक अछि अभी का देखंतु 3 * 2 6 6 + 6 12 12 यूनिट होची 16 डेज दैट इंप्लाइज 8 मु कर दो छी हैला दैट इंप्लाइज देखंतु 84 माइनस 12 होची 72 72 बाय 6 इज हाउ मच 72 बाय 6 इज तो x इक्वल टू 12 राइट सो ऑप्शन एक्सट्रा 12 आसला कौन पचास जो क्वेश्चन देन हाउ मेनी डेज डिड ए वर्क टिल कंप्लीशन ऑफ द वर्क ओके एक्स रो वैल्यू हमर आसला 12 एटा आसला बिले 12 हैला ताहले ए करथला पुनी 8 2 दिन 8 पुनी करथला इनिशियल 3 दिन ता माने 12 प्लस 2 15 प्लस 3 18 माने 18 दिन काम करछि ऑप्शन डी टिल कंप्लीशन ऑफ द वर्क पचारला राइट लास्ट को ए बी सी मिसि किना के दिन काम करले 6 यूनिट गोटे दिन रे करछन 6 यूनिट के दिन काम करले 12 दिन काम करले एक्स रो वैल्यू आसला कोन 12 बट ता अगर पुनी ए काम करथला 2 दिन बी सा करे निजे काम करथला 3 दिन हला त 12 प्लस 5 18 हला क्वेश्चन नंबर 7 ए कैन डू 40% ऑफ अ वर्क इन 12 डेज 40% काम करछि के दिन रे 12 दिन रे ओके फर्स्ट निजे ट्राई करू जरा क्वेश्चन जहा कहि छि फर्स्ट निजे ट्राई करू A can do 40% of a work in 12 days, whereas B can do 60% of the same work in 15 days. Okay, both work for 10 days. C can first niche try karon to bilena. Mu kar debi dore. I hope you tried. Ha. A can complete 40% in 12 days. 40% korchi 12 days. 40% jote 2 by 5. Ta mane muhare chinta karon. 12 into 5 by 2. Ta mane A can do the complete work in 12 इंटू 5 बाय 2 अरे 2 बाय 5 रो वैल्यू होची 12 12 इंटू 5 बाय 2 हला 60 बाय 30 हला ए कैन डू द वर्क इन 30 डेज वेयर एज बी कैन डू 60% ऑफ द वर्क इन 15 डेज 60% होची 3 बाय 5 हला माने 3 बाय 5 रो वैल्यू होची 15 ताले 100% काम केतिन ने करियो 100% माने 1 ताले 1 रो वैल्यू हो 15 इंटू 5 बाय 3 हला दिस इज 5 5 ताने बी कैन डू द वर्क इन 25 दिन राइट बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज बोथ काम करले 10 दिन जाए ओके ताले फर्स्ट टाइम करो वर्क बाहर कर दियो 25 और 30 एलसीएम के दे 150 हो एलसीएम 150 हैले दिस इज 5 दिस इज 6 राइट ओके बोथ वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज 10 दिन जाए काम करले एटा होता एफिशिएंसी आसला 10 दिन जाए माने टोटल हो 11 यूनिट 11 यूनिट * 10 हैला 10 दिन काम करले सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 4 डेज ओके 10 दिन रे केते हेतियो ताले वर्क 110 यूनिट काम करथले टोटल वर्क होची 150 110 कले बचिला केते 40 40 यूनिट के कला सी कला 4 दिन रे ताले सी रे एफिशिएंसी केते 40 बाय 4 होची सी रे एफिशिएंसी होची 10 क्लियर सी रे एफिशिएंसी माने पर डे वर्क हला तापरे कोन हला ए बी सी टुगेदर विल कंप्लीट 28% ऑफ द सेम वर्क 150 रो 28% 28% केन बाहर करिवे 28% होची आपनकर 20% प्लस 8% देखंतु कैलकुलेशन केन करिवे लिसन वेरी केयरफुली 20% के बाहर करिया 15 रो 10% 150 रो 10% के 15 20% के 30 20% हो 30 8% के बाहर करिवि 8% हो 10% माइनस 2% 150 रो 1% के 1.5 अरे पॉइंट ता खाली शिफ्ट कर दियो दीटा प्लेस लेफ्ट को हला 1.5 हो 1% 2% के 3 ता माने 10% हो 15 15 माइनस 3 हो 12 माने दिस इज 30 प्लस 12 होची 42 बुझी परले आपण कॅल्क्युलेशन केंदी कली 20% बाहेर कली ठीक अछि तापरे म दरकार आ 8% 8% माने केते 10% माइनस 2% 2% केते हो यार 1% होची 1.5 2% होची 3 ठीक अछि ओके त
ତାହେଲେ ଜିନିଷ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ହେଲା 42 42 ହେଲା 42 ଇଜ୍ ଦ 28% 28% କାମ କିଏ କରିବ କାହା ପଚାରିଛି? ଏ ବି ସି ଟୁଗେଦର, ଏ ବି ସି ଟୁଗେଦର ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି କେତେ ହେବ, 5 + 6 ହେଉଛି ଏ ଆଉ ବି ର, ସି ର ଆମେ ବାହାର କଲେ 10, ଠିକ୍ ଅଛି, ସି ର ଏଫିସିଏନ୍ସି 10, 11 + 10 ହେଉଛି 21, ତ 42/21 ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ 2 days, ଅପ୍ସନ୍ ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। କ୍ଲିଅର ହେଉଛି? ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 8 इज आसला बेले एसएससी सीजीएल टायर 2 रे, ए कैन डू 1/3 ऑफ ए वर्क इन 15 डेज, बी कैन डू 70% ऑफ द सेम वर्क इन अति के सी। फर्स्ट निजे ट्राई करंतु, ए कोन कला 1/3 इन 15 डेज, त टोटल वर्क कते दिन रे करिवो 45 दिन रे, बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज, 70% माने 3/4, तले बी करिवो इनटू 4/3 माने 24 दिन रे, सी कैन डू सेम वर्क इन 36, C कला सेम वर्क 36 डेज रे, B C टुगेदर वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, हाउ मेनी डेज ओके, यहाँ का एलसीएम कितने हो जाएगा, यहाँ का एलसीएम हो 360 विजिबल हो चाहिए अपन को, राइट, ओके, तो माने दिस इज 8, दिस इज 15 और C रहा हो चुका है 10, ठीक है जी, ओके, B एंड C वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज, B और C एक दिन जानो काम करले 8 दिन जाए, माने 25 यूनिट, 15 + 10 = 25, 25 × 8 हो जी 200 यूनिट काम हो गया। In how many days A will complete the remaining work? 200 unit. 360 200 पड़ेगा। तब मैंने बच्चे ने कहते 160 unit. तेरा करीबो किए? A करीबो. 160/8 हो जी कहते? कोड़ी दिन. Right option C. Clear? तब रहे हो जी next question number 9. Amit and Sunil together can do a work in 9 days. Sunil and Dinesh can do it नहीं कि? Amit and Dinesh की नहीं कि? Okay. First तो हो जी. Amit and Sunil के दिन रे 9 दिन रे. Sunil and Dinesh can do the work in 12 days. Amit and Dinesh, suppose Dithra asla, A Dithra asla, D Dithra asla, हाँ ठीक है, ताहले can do the work in 18 days. ठीक है, सब लिखी डाटा ठीक लिखी तो 9, 12, 18 ठीक है, तब रे Amit, Sunil and Dinesh together will complete the work in okay. यहाँ का LCM कितना हो जाएगा? LCM हो जी 18 2 36 ना 36 कर दे LCM 36 आई मीन दिस इज 4 3 2 क्लियर असला अभी का देखो हम सब बड़ा दीदी थरा आछी हला त माने ऐड कर दे केते हि जीवो 2 a + s + d ठीक अछि दिस इक्वल टू 4 + 3 7 + 2 9 हला ताले a + s + d टा केते हबो दुईटा आउट पळेबो एठी 9/2 आसी गला ताले कोन हला Amit, Sunil can this can together they will complete the work in netiki together ke din re kaam sarive total work ho chi 36 efficiency per day work ho chi etiki ta mane this is by 9/2 into kar diantu into 2/9 94 8 din re option d clear again oral question da bahut fast kar pe next question number 10 A and B together can complete the work in 10 days. Okay. A and B can do the work in 10 days. C and A together in 20 days. C and B together in 15 days. They work together for 8 days. In how many days? C alone. Okay. And LCM can do this. 10, 20, 15. Mane, 15, this is 60 kar do LCM. 15, 40, 20, 40. 40 kotuni. 60 হচ্ছে এলসিএম 60 করে কত হচ্ছে এটা হচ্ছে 6 এটা হচ্ছে 3 দিস ইজ 4 ক্লিয়ার তাহলে ওটা কাম করুন এডি এডি अगेन सेम টাইপ এর क्वेश्चन আছে এ দিথর বি দিথর সি দিথর তার মানে এ প্লাস বি প্লাস সি কত হচ্ছে দেখুন তো এডি 2 ইনটু এ প্লাস বি প্লাস সি দিস ইজ 6 প্লাস 3 9 প্লাস 6 প্লাস 3 9 9 প্লাস 4 কত 13 ক্লিয়ার 2 into this is this ta mane 82 ta jodi cancel kar debi this is by 2 clear kon kahila they work together for 8 days gote din re mane eti kaam korchanti thik achi 8 din re kete karibe 8 din re karibe 13/2 × 8 which is 13 × 4 = 52 eti kaam ho gala au banchila kete total work hochi 60 52 hei jaichi ta mane 8 unit banchila 8 unit then in how many days C can complete remaining work. C can complete. C कथा कहिला.
ए प्लस बी नाउ दिस इज इंपोर्टेंट बिल देख ए प्लस बी प्लस सी हूँ 13/2 है मत दरकार सी ते ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी रु मुझे ए आउ बी एफिशिएंसी माइनस कर देवी मतलब सी एफिशिएंसी मिल जाव ए प्लस बी प्लस सी हूँ 13/2 ठीक अच्छे 13/2 मैंने 6.5 ए प्लस बी हूँ 6 अटेंटिवली शुणु ए प्लस बी प्लस सी हूँ 13/2 ए प्लस बी एफिशिएंसी 6 ताने सी रेते माइनस करदे 0.5 है सी एफिशिएंसी हूँ 0.5 ताने 8 डिवाइड बाय 0.5 व्हिच इज 16 डेज ऑप्शन सी बुझंती नेक्स्ट एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी आर इन रेशियो दिस वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ୱାର୍କିଂ ଟୁଗେଦର ମାନେ 5+2=10, 10+10 5+3+2=5, 5+5=10 10 × 6 ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ହେଉଛି 60 ବୁଝିପାରିଲେ ଆରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଇଣ୍ଟୁ ଟାଇମ୍ କରିଦେଲି ହେଲା ଓକେ ୱାର୍କିଂ ଟୁଗେଦର କହିଛି ନା ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ଏ ଆଲୋନ୍ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ 20% ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍କ 20% ମାନେ କେତେ 1/5 ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ 12 ୟୁନିଟ୍ 12/2 ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ 6 क्वेश्चन नंबर 12 टू डू ए सर्टेन वर्क रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी होची 3:7 वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10.5 डेज ओके वर्किंग टुगेदर 10.5 डेज गोटे दिन दे करचोंती 3:7 माने 10 यूनिट इनटू 10.5 माने टोटल वर्क होची 105 एफिशिएंसी इनटू टाइम टोटल वर्क दे वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज 8 दिन जाय काम करले गोटे दिन दे करचोंती 10 यूनिट 8 दिन दे केते करिवे 80 यूनिट हैले 80 यूनिट करिवे ताहले 8 दिन 80 यूनिट करथिबे ताले बंचिला केते बिले केते काम बंचिला दिस इज 25 यूनिट्स वर्क इज लेफ्ट एती काम बंचिला 25 यूनिट्स काम बंचिला तापरे दे व्हाट इट दिस 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीट बाय टोटल वर्क एती की पा काम बंचिला यार 60% दरकार 60% होची 3/5 25 × 3/5 कने केते होची 5 × 15 15 यूनिट के की करिवे बाय ए अलोन पचारे कहला 15 बाय ए एफिशिएंसी केते अछि बिले ए एफिशिएंसी 3 यूनिट 15 बाय 3 व्हिच इज 5 थ्योरी क्लास डिटेल पढ़ै छै आ एते डिटेल में कहोनी रहा बहुत सिंपल क्वेश्चन गुडा हैला आई होप अपन बुझि पाड़ छथि हैना नेक्स्ट क्वेश्चन 13 कोन कहै छै फर्स्ट नीचे पढ़ंतु एटा आस्ला केबे एटा आस्ला देखंतु एटा होछ अगेन फर्स्ट क्वेश्चन सीजीएल टायर 2 2018 फर्स्ट नीचे ट्राई करू कौन अच्छी ए इज एज एफिशिएंट एफिशिएंट एज बी एंड सी टुगेदर माने फर्स्ट तो एफिशिएंसी कथा कहला ए इज टू बी प्लस सी बी एंड सी कहि छी त माने दिस इज 1:1 रेशियो वर्किंग टुगेदर ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 36 डेज सी अलोन कैन डू इट इन 60 डेज ओके ए एंड बी आउ का कथा कहि छी सी कथा कहि छी ठीक अछि कोन दे छी फर्स्ट टाइम रेशियो टाइम और डेज रेशियो सेम सेम जिंसो कोन दे छी ए आउ बी को लाउ छी 36 दिन आउ सी को के दिन लाउ छी बोले सी को लाउ छी 60 दिन ତାହେଲେ ରେସିଓ କେତେ ଅଛି ଡେଥ୍ ରେସିଓ କେତେ ଅଛି ଟାଇମ୍ ରେସିଓ କେତେ ଅଛି 36:60 12 କ୍ୟାନସଲ୍ କଲେ 3:5 3:5 ରେସିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଫିସିଏନ୍ସି କ'ଣ ହେବ ଓଲଟା ହେଇଯିବ 5:3 ବୁଝିଲେ ଆପଣ କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଟାଇମ୍ ରେସିଓ 36:60 12 କ୍ୟାନସଲ୍ କରନ୍ତୁ 3:5 ହେଉଛି ଏଇଟା କାହା ରେସିଓ ଟାଇମ୍ ଡେଜ୍ ରେସିଓ ହେଉଛି 3:5 ଏଫିସିଏନ୍ସି ଓଲଟା ହେଇଯିବ 5:3 କ୍ଲିଅର୍ ହେଉଛି କ୍ଲିଅର୍ ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍କ କେତେ ହେବ टोटल वर्क आइदर आपण आइदर 3:60 करिवे एफिशिएंसी इनटू टाइम हो जो टोटल वर्क आइदर 3:60 करिवे 180 और 5:36 करिवे 180 जोटा भी करंतु मो एटा करू छला ताहे टोटल वर्क मो कहि परिवे एठी टोटल वर्क ता होची 180 यूनिट एटा आपण बुझि परले मो एठी कोठी छोटो जगह लिख दोछ लेट्स से मो ऊपर लिख दोछ हला मो एठ लिख दोछ बिले हला टोटल वर्क टीडब्ल्यू टोटल वर्क होची 180 यूनिट बुझि परले आपण केमती आसला 60 × 3 और 36 × 5 जेमती कह चलियो ओके तापर कोन कहला ए एंड सी टुगेदर ओके फर्स्ट तो रेशियो मर्ज करिया पड़ियो पहला एफिशिएंसी बाहर करिया पड़ियो गोटे काम करिया एटी ए इज टू बी प्लस सी अछि एटा हम बाहर करले ए प्लस बी इज टू सी कौन बाहर करले 5:3 मतलब जिनस कोन तो पहले ए इज टू बी प्लस सी होची 1:1 ए प्लस बी इज टू सी होची 5:3 फर्स्ट रेशियो रे एबीसी अछि सेकंड रे भी एबीसी अछि यांको मर्ज केमिति करिया रेशियो को केमिति जॉइन करिया एठी भी एबीसी अछि एठी एबीसी अछि माने ताको सम ता सेम होबा कथा केमिति देखतु मर्जिंग पढै छी डिटेल रे रेशियो ता टॉपिक पढै छी 5:3 8 यूनिट दिस इज 8 यूनिट्स एटा होची 1:1 होची 2 यूनिट्स हला 8 2 एलसीएम केते 8 त
ତାମାନେ ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ଅଲରେଡି 2 ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ 4 ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବି, ଇଣ୍ଟୁ 4 କରିଦେବି, ତାହେଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ 4:4 ଆସିଗଲା। ଅବିକା ଫାଷ୍ଟ ରେସିଓରେ ବି 8 ୟୁନିଟ୍, ସେକେଣ୍ଡରେ ବି 8 ୟୁନିଟ୍, ତାହେଲେ ରେସିଓ ମର୍ଜ ହେଇଗଲା। କ୍ଲିୟର ହେଉଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଅବିକା କହିପାରିବି ए इज टू बी इज टू सी, जेहेतु दुटा रेसीो प्रथम रेसीो सेकेंड रेसीो 8 यूनिट हो गला, रेसीो मर्ज हो गला। अबिका ए इज टू बी इज टू सी रेसीो आम कहीपर सी रेत तीन यूनिट केमी ठीक अच्छे। बी रेत अच्छी बिले बी रही बाहर ना ए रे रोच चार यूनिट, ताहले बी रेत टोटाल हूँ 8 यूनिट, ता मैंने 7 हो गला आउ हूँ 1 यूनिट। क्लीयर रेसीो बाहरी गला ए इज टू बी इज टू सी रो ठीक अच्छे। अबिका कौन क्वेश्चन कही ए एंड सी एटी कहि क्वेश्चन ए एंड सी टुगेदर वर्क फॉर 10 डेज, ए आउ सी 10 दिन काम करले, ए रो होची 4 यूनिट, बी रो 3 यूनिट, 7 यूनिट के दिन काम करले 10 दिन, 7 * 10 माने 70 यूनिट काम हे गला। टोटल वर्क थिला केते 180, 180 रु 70 काम हे गला, बचिला केते 110 यूनिट बचिला ठीक अछि। त कोन कहि बी अलोन विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन, टोटल काम बचला 110, बी एफिशिएंसी केते 1 यूनिट, त माने 110 बाय 1 के दिन लागिव 110 दिन, ऑप्शन ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगेन एटा केबे आसला एसएससी सीजीएल टायर 2 2019, फर्स्ट निजे ट्राई करंतु दबे क्वेश्चन पढ़ दिए। 2 मेन 7 वुमेन केन कंप्लीट एति 28, भलो क्वेश्चन ना निजे करंतु ना केंती गला। ओके, टू मेन सेवेन वुमेन है, टू एम एंड सेवेन वुमेन कौन है, कैन कंप्लीट अ वर्क इन 28 दिन, इन टू 28 दिस इज टोटल वर्क, बुझिपारे आप, इक्वल टू व्वेर आज 6 मेन एंड 16 वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन 11 डेज। ओके, 6 एम एंड कौन 16 वुमेन, थ्योरी का डिटेल पढ़े मैं है, अब खाली क्वेश्चन सल्व कर, 6 वुमेन कैन डू द वर्क इन के 11 डेज इन टू 11 है, अबिका एउठ आमर एम इज टू डब्ल्यू रेसीो बाहर जीव ठीक अच्छे। केमती बाहर देखो, फर्स्ट 28 इंटू 2 के 56 एम आउ ये 11 इंटू 6 66 एम माइनस 66 एम इक्वल टू ठीक कर 11 66। हाँ, ताल डब्ल्यू देखिया 28 इंटू 7 20 इंटू 7 140 प्लस 56 माने 196 है, आईटा हूँ कैसे 11 इंटू 16 सर्टकट कौन 1 6 लिखिदेवे मझे आड करदे 176 ये 196 माने 20 माइनस 20 माइनस 20 डब्ल्यू, बुझिपारे आप क्याकुलेसन बहुत फास्ट कमी करेंगे मुहे मुझे क्याकुलेसन हम तेज़ यहाँ हूँ कैसे माइनस 10 एम ये माइनस 20 डब्ल्यू, तेज़ मुझे कहीपरि एम बाय डब्ल्यू हूँ 2:1 रेसीो केते क्विक कैलकुलेशन करेंगे आप पढ़ू बोली बहुत स्लो करुँच ना आहुरी फास्ट आप करेंगे बुझिपारे। ओके, ये आसा रेसीो, तापर कौन है टोटल वर्क कमी बाहर देखो एम इज टू डब्ल्यू आसा 2:1, अबिका यूटा को आप आईदर एटी पुट करूँ और एटी पुट करूँ जो भी बोले आंसर सेम आसो एट लेट से पुट करी कहीं दुटा का टोटल वर्क एटा भी वर्क यू कैन पुट एनी व्वेर मुझे एट पुट करी कौन हम एम जगार 2 पुट करूँ 4 + 7 11 11 इंटू 28 28 रे मल्टीप्लाई करें 11 इंटू 28 11 रे मल्टीप्लाई कर सर्टकट कौन 2 8 लिखे मझे आड करदे 2 8 आड करके 10 मान 0 रहा आउ गोटे 1 क्यारि पड़े आसला मैंने दिस इज 308 सर्टकट अफ मल्टीप्लाइंग विथ 11 ना सेमती करूँ है 308 दिस इज टोटल वर्क आसला 308 यूनिट आसला। इन हाउ मेनी डेज 5 मेन एंड 4 वुमेन 5 मेन मैंने मेन एफिशिएंसी कितने 2 यूनिट्स मैंने 5 × 2 4 × 1 माने प्लस 4 दिस इज 14 ता माने 308 बाय 14 केते हो जबिले दिस इज 22 ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर बहुत स्लो करते हम एडा बहुत फास्ट आपन मूव करि परिबे एडा किछि नै आदे। नेक्स्ट ओके एडा कोन अछि 5 मेन एंड 8 वुमेन कैन डू अ वर्क इन केते 34 डेज व्हेयर एज 4 मेन एंड 18 वुमेन दे कैन डू द वर्क इन 28 डेज ठीक अछि। इन हाउ मेनी डेज सेम टास्क को कंप्लीट बाय 3 मेन 5 अगेन सेम टाइप रो क्वेश्चन अछि बिले एउट आपन कर एम इज टू डब्ल्यू रेशियो बाहर जीवो एम बाय डब्ल्यू बाहर जीवो ताकू पुट आइदर आइदर आपन 8 पुट कर देबे और
और 80 पुट करदे आपको टोटाल वर्क बाहर जीव टोटाल वर्क बाहर जीव जहाँ बाहर है से वैल्यू एम आउ डब्ल्यू वैल्यू 80 पुट करदे 3M 5 5 जमी लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन जमी कले एक्जाक्ट सेम टाइप क्वेश्चन अच्छे खाली डाटा चेंज कराई एक्जाक्ट सेम टाइप क्वेश्चन अच्छे निजे करदे दिस इज होमवर्क दिस इज योर एटा आपको होमवर्क रहा निजे करेंगे मतलब आंसर कमेंट करना कहे यहाँ आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर ओके सरला ये क्लास ताले 15टा क्वेश्चन आम कले ये आपको क्लास सरला टाइम एंड वर्क क्लास नंबर 1 ये मुझे कंप्लीट कली ठीक अच्छे एमती मुझे 4टा क्लास करी टोटल 60 क्वेश्चन मुझे करी मोर दैन सफिशियंट सब एग्जाम बैंक SSC जो एग्जाम दिखाँ है यहाँ सफिशियंट 60टा क्वेश्चन आज 15टा क्वेश्चन कले क्लास 2 में करी एगेन आउ 15 15 15 60 क्वेश्चन करी टाइम एंड वर्क देन करी पाइप एंड सिस्टम मोर दैन सफिशियंट प्राक्ट है ना ओके क्लास के लगे मतलब कमेंट करना कहे आउ बार बार रिवाइज करूँ थ्योरी क्लास चेक करूँ ये करूँ दिस इज सफिशिएंट आउ किसी दरकार नहीं खाली मॉक टेस्ट दिखाँ थैंक यू सो मच।